दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत सही नहीं है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का 5.5 किलो वजन कम हो चुका है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद केजरीवाल ईडी हिरासत में रहे और फिर उन्हें कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के नंबर 2 में रखा गया है। दरअसल ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में हुई गड़बड़ी के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल है। केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि इसमें इनके अलावा आपके कई नेता शामिल हैं। इस मामले में ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कैद में है। वहीं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मामले में राहत देते हुए मंगलवार को कोर्ट ने जमानत दे दी। ईडी ने कहा था कि सिंह को मामले में जमानत देने से उसे कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी ने ईडी के आरोप को बेबुनियाद करार दिया है। आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इस पर क्या कहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने मंगलवार को दावा किया कि उनके एक करीबी व्यक्ति ने उनसे कहा था कि उन्हें बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए या 1 महीने के भीतर गिरफ्तार किए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मेरे अलावा सौरभ भारद्वाज, विधायक दुर्गेश पाठक और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार किया जाएगा।